अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको चिकन की बिरयानी की रेसिपी बताने वाली हूँ। चलिए आप उसके लिए पहले अपन इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। ये 2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट है, आप सॉल्ट अपने हिसाब से ले लीजिए। ये 1/2 टीस्पून ऑफ टर्मरिक है, ये 3 टीस्पून ऑफ रेड चिल्ली पाउडर है, और ये 4 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और ये 1/2 कप ऑफ कुकिंग ऑयल है, ये फ्राइड अनियंस है जो 1 ऑनियन मैंने चॉप करके फ्राई करके रख लिया था, और ये साबित गरम मसाला को हमने पीस के रख लिया था, करीब 2 टीस्पून ऑफ गरम मसाला है ये, और ये आप 11 ग्रीन चिलीज ले लीजिए, उसको हमने पेस्ट करके रख लिया है, और ये हैंडफुल ऑफ चॉप्ड कोरिएंडर है, और ये हैंडफुल ऑफ चॉप्ड मिंट लीव्स है, और ये 4 टेबलस्पून या करीब 6 टेबलस्पून आप अपने ग्रेवी के हिसाब से आप कर्ड ले लीजिए। ये 3 LB ऑफ चिकन है, करीब 1.5 किलो है, और इसको हमने वॉश करके रख लिया था। चलिए अब इसमें इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं। पहले अपन जिंजर गार्लिक पेस्ट डालिए, रेड चिली पाउडर डालिए, अभी टर्मरिक डालिए, सॉल्ट डालिए, गरम मसाला डाल लीजिए, ग्रीन चिली पेस्ट डाल लीजिए, फ्राइड ऑनियंस डाल लीजिए, इसे इसी तरह क्रश करके डालिए। हैंडफुल ऑफ चॉप्ड कोरिएंडर डाल लीजिए, अभी और ये हैंडफुल ऑफ चॉप्ड मिंट लीव्स है, और अभी कर्ड डाल लीजिए, और ये 1/2 कप ऑफ ऑयल डाल लीजिए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए, तब भी इस चिकन का टेस्ट अच्छा आएगा। अभी इसे मैरिनेट होने के लिए 1 घंटे तक रख दीजिए। चलिए अब हम चावल की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने ये कप के हिसाब से 4 कप्स बासमती राइस लिया है, जिसको हमने वॉश करके भिगो के रख लिया था। इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, जैसे कि 5 टीस्पून सॉल्ट डाल लीजिए, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर ले सकते।
थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लीजिए। दो ग्रीन चिल्लीज डाल लीजिए। थोड़े से चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। थोड़े से चॉप्ड मिंट लीव्स। ये थोड़े खड़े गरम मसाला है, जैसे कि दो बे लीव्स, एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी, दो लौंग। अब इसमें पांच इलायची, छोटी इलायची डाल लीजिए। थोड़ा सा शाजीरा डाल लीजिए। थोड़ा सा तेल डाल लीजिए इसमें। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अब ये चावल को आप 70% तक पका लीजिए। चावल हमारा पक के 70% रेडी हो चुका है। अब इसका पानी ड्रेन आउट कर लीजिए। देखिए, हमारा चिकन मैरिनेट होके रेडी हो चुका है। अब इसमें चावल ऐड कर लीजिए। देखिए, ट्रे में हमने चावल ऐड कर लिया है। इसमें अब हम 2 टीस्पून के करीब लेमन जूस डाल लीजिए। घी डाल लीजिए 2 टीस्पून के बराबर। कलर डाल लीजिए। थोड़े से चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स डाल लीजिए। थोड़े से चॉप्ड मिंट लीव्स डाल लीजिए। फाइनली थोड़े से फ्राइड ऑनियंस डाल लीजिए। ये क्रिस्पी होना चाहिए। अब हम इसे फॉइल से ढक दीजिए। देखिए, मैं बिरयानी को ओवन में दम दे रही हूँ। उसके लिए 10 मिनट्स तक आप प्रीहीट कर लेके रख लीजिए। आप उसके लिए बेकिंग का दबा के 350 डिग्रीज पर रख के 1 आवर तक आप टाइम सेट कर लीजिए। इसे ऑन कर लीजिए। ये देखिए, बिरयानी बनके रेडी हो चुकी है। अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे।